तो हे व्हाट इज़ अप फूडीज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज व्लॉग शूट करने का कोई रीज़न नहीं है। अब से मैं रेगुलरली वीक में एक या दो व्लॉग्स डाला करूँगा एंड आई विल शेयर माई होल डे एक्सपीरियंसेस एंड माई लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज फ्रॉम नाउ ऑन थ्रू माई व्लॉग्स। एंड चलो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। सो अभी मैं मार्केट जा रहा था चिकन ब्रेस्ट लेने, बिकॉज आज घर पे लंच में टैकोस बनने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट एंड मार्केट से लेना है सामान। चीज़ें मैंने आपको बता रही थी कि आज लंच में क्या बनने वाला है, एंड आई एम गोइंग विद जसनूर। तो चलो खरीदते हैं सामान एंड आपको दिखाते हैं संगरूर कैसा है। हमने भी मास्क पहना हुआ है, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो आप भी सारे प्लीज़ अपना मास्क पहन के रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखें, हाथ धोते रहे टाइम टू टाइम, बिकॉज़ अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ रहेंगे और आप भी सेफ रहेंगे। सो वियर योर मास्क एंड टेक ऑल, हाँ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। अपनी डेस्टिनेशन इजी डे, जहाँ से हम चिकन ब्रेस्ट लेंगे। मलेरिया है एंड क्या क्या लिया है आपको अभी बता देता हूँ। एक तो ये चटनी लिया है, शेजवान चटनी, होल चिकन सलामी एंड चिकन ब्रेस्ट। तो अभी करवाते हैं इसकी बिलिंग। तो हम आए अभी शिकंजी पीने, पंजाबी शिकंजी पीन। एंड सुरिंदर, पता नहीं, सुरिंदर जूस कॉर्नर पे हम शिकंजी पीने आए हैं, क्योंकि अभी 38 डिग्रीज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेना तो स्प्रिंग अनियन भी था, सब्ज़ी मंडी गए थे, पर स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन पार्ट्स थे वो अच्छे नहीं थे। हमें मेनली मंचूरियन के लिए ग्रीन पार्ट्स ही चाहिए होते हैं, वो अच्छे नहीं थे, तो स्प्रिंग अनियन लेना कैंसिल कर दिया। अभी बस कंजमी पियेंगे और चलेंगे घर। स्ट्रॉ डाल देना बीच में। इधर बेकी पी ले, एंड बीचन इसके बीच में से नहीं पिया जाएगा। नहीं नहीं पी, मैं आज भी लूंगा। नहीं नहीं पी ले, मैं तो रील्स पे डाल देनी है ये। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, 850 किलोमीटर एक्टिवा चलाने के बाद हमें फाइनली स्प्रिंग अनियन मिल गए। इतने अच्छे तो नहीं है, बट कोई नहीं, हाँ काम चला हुआ है तो उसे ला लेंगे काम। ए, हम पहुंच गए हैं घर। तो टैकोस बनने वाले हैं, टैको शेल के लिए इसमें डाला है 1 कप आटा और 1.5 कप मैदा। एंड अब इसमें डालेगा थोड़ा सा घी, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डल गए हैं, अब ओनली एंड ओनली पिज़्ज़ा सीजनिंग फॉर टैको शेल के बेटर फ्लेवर के लिए ये दोनों चीज़ें डाली गई हैं। पानी डाल के भी इसको गूंदा जा रहा है, टैको शेल्स के उसको आटे को। अब गूंदने के बाद आपको दिखाते हैं अभी कैसा बना है आटा। थोड़ा आपको सॉफ्ट गूंदना है। अब आटे को थोड़ा सा मसलना है, अच्छी तरह से पीटना है इसे। अगर नहीं पीटा तो इसका भाई जो ग्लूटेन है वो पैदा नहीं होगा। तो अभी इसको पीटते रहना है 10 से 15 मिनट के लिए, ऐसे पीटना है इसको अच्छी तरह से, अच्छी और पीटो और पीटो, हाँ पूरा गुस्सा निकाल देना। घर में तो मास्क उतार दे। हाँ ये देखो पीट दिया इसको अच्छे से, मैं इसको और पीटता हूँ। ये हमारा गुरफतेह, ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। अब इसको एक नैपकिन या फिर किसी किचन टॉवल से ढक के साइड में रेस्ट करने के लिए, जितनी भी इसको पीट पीट के, हाँ पीटा, चोट लगी है, चोट इसकी क्योर हो जाएगी। जाना ट्यूशन और मैं इनको थोड़े से सीख कबाब
ये हमारी बच्ची और ये बच्चों ने ट्यूशन जाना है, तो उनके लिए ग्रिल्ड सलामी एंड सीख कबाब ग्रिल हो रहे हैं। ये देखो, एंड लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं संगरूर आया हूँ एंड मैंने अपने मम्मा पापा को सरप्राइज किया था। सरप्राइज करने के बाद वो तो घर चले गए क्योंकि घर पे कोई काम था एंड मैं यही रुक गया। मैंने कहा घर जाके तो क्या ही करना है, वही मतलब घर पे भी मतलब वही करना है, पढ़ाई करनी है, इधर भी पढ़ाई करनी है, सो मैं इधर ही रुक गया। एंड क्योंकि मेरे असेसमेंट्स चल रहे हैं, अभी असेसमेंट होगी 4 बजे। तो अब बिग थैंक्स, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मासी एंड मौसी ने मुझे किया। मासी को बिग थैंक्स, मौसी को बिग थैंक्स कि उन्होंने ये बात सरप्राइज ही रखी, सीक्रेट ही रखा। एंड मौसा जी को बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि रात को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आजकल नहीं होती और रात को 2:30 बजे मेरे मौसा जी स्पेशल उठे एंड मुझे स्टेशन से लेने आए, तो बिग थैंक्स टू देम। तो अभी खिलाते हैं मौसा जी को ग्रिल्ड सलामी एंड कबाब्स, तो इसके बाद तैयार होंगे टैकोस। इधर आ तो सही, ला के रखा कर। चॉपर में चली गई है चिकन ब्रेस्ट, अब इसको करेंगे फ्राई। तो ये डल गया है फाइनली चॉप्ड प्याज एंड फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। हाँ जी, ये मैं नहीं बना रहा, ये हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी देख सकते हैं आप। और अब इसके बाद डलेंगे इसमें मसाले, मसालों में डलेगा इसमें नमक, मिर्ची, ये स्वाद अनुसार पानी डाल के, मतलब स्वाद अनुसार स्पाइसेस डाल के इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब डल गई इसमें हमारी चिकन का कीमा जो हमने किया था अभी चॉपर में, अब इसमें थोड़ा सा चिकन को मिक्स करके ये आधा ढक्कन, हाफ टी स्पून विनेगर, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून, इसको कर देते हैं मिक्स अच्छे से मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा चिकन को मिक्स करके ये आधा ढक्कन, हाफ टी स्पून विनेगर, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून, इसको कर देते हैं मिक्स अच्छे से मिक्स कर दीजिए। विनेगर की जगह आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो। विनेगर इस जस्ट ढक के इसको कम से कम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन अच्छे से पक चुका है एंड अब जो जितना भी इसमें पानी है वो सुखा दें हाई फ्लेम पे। हाँ, जिस साइड पे हमने जो फिलिंग है वो लगाना है वो थोड़ी ज़्यादा कुकड हो। एंड अभी ग्रीन चिली सॉस लगाई है इसमें फिलिंग करके, देसी टाकोस में फिलिंग करके इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। और अभी लाइट गई हुई है जैसे, फिर ये हमारा वैसे टोस्टर रेडी पड़ा है, इसमें हम टोस्ट नहीं ग्रिलर रेडी पड़ा है, ग्रिलर में हम इसको ग्रिल करेंगे। तो टैकोस ग्रिल हो रहे हैं, लाइट आ गई थी एंड सून दे विल बी रेडी, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। चिकन टैकोस हमारे रेडी हैं एंड बहुत ही अच्छे बने थे टैकोस, देसी टैकोस है। अगर आप इसमें चिकन की फिलिंग नहीं करना चाहते तो आप इसका वेजिटेरियन वर्जन भी बना सकते हैं चिकन को पनीर के साथ रिप्लेस करके। तो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आई एम श्योर यू गाइस आर गोना लव इट। व्लॉग की एडिटिंग के वक्त मेरे को पता लगा कि फुटेज बहुत ज़्यादा है और ये सारी फुटेज एक व्लॉग में कवर नहीं की जा सकती। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 मिनट का ऑलमोस्ट व्लॉग ऑलरेडी बन गया एंड मैं इसको और बड़ा नहीं करना चाहता। तो ये जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मतलब वीकली व्लॉग है, ये आएगा 2 पार्ट्स में, एक 25 तारीख को आएगा यानी कि कल एंड एक आएगा 27 तारीख को। इस व्लॉग में आए मैंने आपको देसी टाकोस बनाने सिखा दिए हैं कि मतलब मेरी मौसी की रेसिपी है, टाकोस बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। एंड अगली जो है अगला पार्ट इसका होगा उसमें होंगे शेजवान फ्राइड राइस, एग एंड चिकन वाले। तो
तो उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलेगी। तो ये पार्ट वन है, पार्ट टू में भी आपको एक रेसिपी मिलेगी। एंड अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग।